हेलो दोस्तों, हमारा देहाती कुकिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रहा हूँ चिकन। बहुत ही साधारण तरीके से और बहुत स्वादिष्ट चिकन बनाने जा रहा हूँ। ये इसके लिए मैंने आज 1 kg चिकन लिया है। ये चिकन का पंजा है। इसको मैंने काफ़ी अच्छे से गर्म पानी में बॉयल करके इसके ऊपर के त्वचा को हटा के पूरी तरह से क्लीन कर दिया है। और ये कलेजी है, इसके लिए हमने लगभग 300 ग्राम प्याज लिया है। ये मैंने 2 हरी मिर्च लिया है। ये अदरक का छोटा टुकड़ा है। अब मैं इस सभी को बारी बारी से कूट लेता हूँ। ये हरी मिर्च है, इसको मैं कूट देता हूँ। अब लहसुन को भी कूट दे रहा हूँ। अदरक को भी कूट लेते हैं। चार टमाटर लिए हैं। इस 4 टमाटर को अब हम छोटे छोटे टुकड़े में काट देते हैं। अब देखिए दोस्तों, मेरा पेस्ट बनके तैयार हो चुका है। ये हरी मिर्च है और ये लहसुन का पेस्ट है और ये अदरक का पेस्ट है। ये है तेजपत्ता और ये है जीरा और ये हमने ले रखा है 4 सूखी लाल मिर्च और ये है दालचीनी और ये छोटी इलायची और लौंग का 2-4 दाना लौंग है और 4-5 काली मिर्च है और ये हम 5 लहसुन लिए हैं। इस लहसुन को हम ऊपर से डालेंगे जो कि हमारे चिकन को स्वादिष्ट बनाएगा और ये लहसुन खाने में भी स्वादिष्ट लगता है। और यहाँ पर मेरा टमाटर भी छोटे छोटे टुकड़ों में कट के तैयार है। अब मेरा चूल्हा जल के तैयार है। हम कढ़ाई चढ़ा दिए हैं। अब इसमें हम सरसों तेल डाल रहे हैं। तेल पूरी तरह से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा जीरा डाल रहे हैं। यह है तेजपत्ता। यह है 4 सूखी लाल मिर्च, दालचीनी, 4 छोटी इलायची है, 4 दाना ये लौंग का है और 5 दाना ये काली मिर्च डाल रहे हैं। अब हम प्याज डाल रहे हैं। तब तक चलाएंगे जब तक कि ये हल्का भूरा कलर का नहीं होगा। अब ये देखिए दोस्तों, हमारे प्याज में कलर आ गया है। अब इसमें हम डालते हैं लहसुन का पेस्ट और ये अदरक का पेस्ट डाल दे रहे हैं और ये मिर्ची का पेस्ट डाल दे रहे हैं। अब इसको हम चला देते हैं अच्छे से। अब देखिए दोस्तों, प्याज अच्छी तरह से भुना गया है। प्याज अच्छी तरह से लाल भी हो गया है। अब इसमें टमाटर डाल देते हैं। इसको अच्छी तरीके से मिला देते हैं। अब टमाटर डालने के जस्ट बाद नमक डालना है। इसको अच्छे से मिला देते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें हम मसाला डाल रहे हैं। ये है धनिया लगभग 2 चम्मच के आसपास। ये है कश्मीरी मिर्च। ये है सूखी लाल मिर्च।
का डस्ट, ये है काली मिर्च का डस्ट, ये है जीरा पाउडर, ये हल्दी है, और ये सबसे लास्ट में हम डाल रहे हैं चिकन मसाला। अब इसमें हम दोस्तों थोड़ा सा पानी डाल दे रहे हैं। अब इसको हम 2 मिनट के लिए ढक देते हैं। तो हो गया दोस्तों, इसका ढक्कन हटा रहे हैं। अब इसमें चिकन डालेंगे। ये पंजा और कलेजी है, इसको भी डाल दे रहे हैं। इसको इस प्रकार से 5 मिनट तक भूनना है। अब इसको थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं। ये 4-5 लहसुन अब इसमें हम डाल देते हैं। ये लहसुन भी बहुत स्वादिष्ट लगता है खाने में।